जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जया एकादशी की यह कथा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्रनंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वह पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम प्रेत असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर प्रेत योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंधरस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोई खड़े हो जाते थे, हाथ पर सुन पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं की राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से
तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग प्रेत योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुजोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहां प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।